वेलकम टू द ब्लॉग गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि लास्ट ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। और अब भी तो फिलहाल मैं भाई ऊपर जा रहा हूँ, एक चीज़ अभी आपके साथ शेयर करूँगा और काफ़ी दिन के बाद मुझे मिला है। जैसा कि आवाज़ से आपको कुछ पता चला होगा कि ये रैपर की तरीके का साउंड आ रहा है, तो अब भी आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये दो चॉकलेट्स हैं, ओके। ये सिर्फ इतना ही बड़ा नहीं है, इतना बड़ा चॉकलेट है। और अगर मेरे साइड में ऐसे करके रख लो तो ये मेरे से भी बड़ा जा रहा है, इतना बड़ा चॉकलेट है, मतलब एक फिट की तो आराम से है। सो ये बहुत पहले बचपन में देखने को मिला था मुझे, बचपन में हम लोग खाते थे, लेकिन सडनली आज मार्केट में मिला, एक जगह एक शॉप में रखा हुआ था। कि इसमें से आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने खाया है, तो जिस दिन ने खाया है अपने बचपन में कमेंट सेक्शन में बताओ कि खाया है या नहीं खाया है। इसके साथ और भी बहुत कुछ मिला करता था, किसमिस बार आप सभी को याद होगा, और अब भी मार्केट में काफ़ी कम नज़र आता है। नहीं, नीचे आ जाना, तो इसे भी चाहिए, तो मैंने बोला नीचे आ जाओ खा लेते हैं। तो अभी जस्ट भैया आया हुआ, भैया के साथ शेयर करके खाएंगे। और भी बहुत सारे चॉकलेट्स थे जो कि बचपन में ये सारे देखने को मिलते थे यार। किसमिस बार सबसे ज़्यादा पसंदीदा चॉकलेट था, मतलब 50 पैसे में आ जाता था यार, समझो कि वो डेरी मिल्क के लेवल का चॉकलेट था अपने टाइम में। अभी तो अब उसका कहते ना, समय के साथ साथ हर एक चीज़ की कीमत में घट जाती है, कोई चीज़ हो जो। तो भाई अभी शाम का टाइम है, जस्ट अभी SBI के पास आ गए, और SBI में आपको पता ही है कि SBI आओ और भीड़ का सामना ना करो तो वो तो कोई SBI हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अभी जस्ट हमारा काम हो चुका है, वैसे ही शाम का टाइम है, और जस्ट अभी अगर बोलोगे आप तो ये भीड़ से थोड़ा सा हट के भाई यूँ ही खड़े हैं, और कंटेंट नहीं मिल रहा इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। अभी पता है हर एक चीज़ की तरह कंटेंट का भी सीज़न होता है भाई, सीज़न इन द सेंस कि समर वेकेशन, ये सारा चीज़ जो है ना वो कंटेंट का सीज़न होता है। खैर वेकेशन तो हम लोगों को रहने से रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा मार्केट उस टाइप भी निकलना, मम्मी बोली है दूध लाने के लिए, कल पूजा है तो दूध लेके जाना ही होगा सबसे पहले। तो अभी चलते हैं वहीं पे, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, डोंट स्किप, फुल वॉच, स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ। तो फिलहाल भाई आशीष जी गाड़ी को निकाल रहे हैं, निकाल भाई। लाइट, अरे रुक जा, थोक मत देना। वो वो वो, और ये बहुत बढ़िया कट मारते, वो अमूल वाला जानते हो ना दूध, कहाँ पे बोले हैं जहाँ पे मिलता है, आंटी बेचती हैं वहीं पे चलना। हाँ चल ठीक है, एक राउंड लगा के आऊँगा भाई, अभी फ़िलहाल तो एक राउंड लगा के आऊँगा, शाम का टाइम है, मौसम भी सही है, और इस समय शाम को अगर घूम लो ना भाई तो रात को पढ़ने में मज़ा भी आ जाता है, ये चीज़ तो फैक्ट है। लेकिन हालांकि पढ़ते नहीं है, ये बात तो अलग है, ये भी फैक्ट है, मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल भाई अभी अगर देखा जाए तो ये मरेंगे, जाने दो। एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे सुनसान रोड पे, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना पोल स्टार, तो ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा चमकने वाला पोल स्टार है यार। सबसे ज़्यादा पहले ये पेड़ वगैरह से बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, वो देखिए पोल स्टार नज़र आ रहा है, ठीक है। कितना भी खराब मौसम रहे ये कभी ना कभी आपको नज़र आ ही जाएगा। और फिलहाल ये तो अभी हम लोग कहाँ पे चलते हैं, चल KV साइड से घूम के आते हैं, अपने स्कूल साइड से ले आते हैं। मस्तानी मदहोश किए जाए। ये क्या हो रखा है भाई, आज निकलना शायद काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रखा है। ये देखो चाचा जी को यहीं से मुड़ाना है, हाँ मुराइए मुराइए। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि जितना दूर से भी जाएं, आगे जाएं या पीछे जाएं, सबसे पहले वो ये जाम ही है यार, दूर से दूर। आज निकलने का मतलब फंस गए, फंस गए, ये दूर दूर तक फैला हुआ है भाई, दूर दूर तक। अभी देखो निकलते हैं कब तक, पिछले तो आज का ब्लॉग लगता है कि इन शोर शराबों के बीच में बनना लिखा हुआ है भाई। अभी जस्ट यहाँ से बाहर निकले हैं और दूर दूर तक देखिए जाम का मेन कारण क्या है ना कि कल होने वाला है तीज पूजा, जिसके कारण जो लेडीज़ हैं वो मार्केट आई हुई हैं मार्केट करने, और उनको देखते हुए स्टॉल काफ़ी ज़्यादा रोड पे लगा दिया गया है। सो जाम तो लगना ही है भाई, आज दूध वाले आए हैं, दूध वाले आए हैं, ये खोले गए, आ जाओ आ जाओ, आप दूध वाले आए हैं, खोलने दो खोलने दो। दूध वाले में आज रसगुल्ला बिक रहा है भाई, दूध नहीं मिलेगा क्या, रसगुल्ला खा लो।
नहीं नहीं रसगुल्ला नहीं, दूध खाना है। रसगुल्ला हाफ लीटर भी नहीं होगा क्या? मतलब क्या हो रहा है भाई, दूध के मतलब दूध वाले दुकान में आज पूरा का पूरा रसगुल्ला भरा हुआ है। अगर आपको देखोगे तो पूरा फ्रिज में देख लो, पीछे का पीछे पूरा का पूरा रसगुल्ला ही है। और अभी दूध का मामला मतलब सॉर्ट आउट हो चुका है पूरा का पूरा। क्या कर रहे हो यार, नहीं मिलने वाला है बिला नहीं। तो इतने देर से शूट कर रहा था भाई, फाइनली भीड़ देख रहे हो आप आज, मतलब पूरा का पूरा पर्व है। और पर्व के कारण मतलब अभी हाफ लीटर अभी जाके मिला है, मतलब मुझे हाफ लीटर का नीड था, एक लीटर मिलता तो भी बेटर था, नहीं मिला तो भी बेटर था। इनके पास एक्चुअली दो टाइप के कस्टमर थे, मतलब स्टॉक में ये रखे हुए थे लेकिन परमानेंट के लिए रखते हैं, फाइनली यहाँ पे मिल चुका है। और ये बंदा कहीं भी जाते तो बैठ के बिजी हो जाता है। उत्कर्ष दे रहे हो पार्टी, जल्दी बताओ, दो अगर दोगे तो पक्का आ जाएंगे। अरे भाई तुम ब्लॉगिंग में आ रहे हो, मतलब कि आवाज में आ रहे हो, थोड़ा सा स्पीकर में डाल दे, स्पीकर में डाल दे। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये बताओ, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये बताओ। हम तो आइए पार्टी को थोड़ा देगा ना। तो ये रोड जो है ना भाई, ये सबसे शानदार रोड है, क्योंकि ये जो घर है ना, ये प्रेजेंट आईएएस का घर है, मतलब रिटायर्ड आईएएस का घर है, तगड़ा घर है। इसी कारण से कि आप सोच लो, मतलब रिटायर्ड आईएएस है और रोड कितना तगड़ा है, मतलब जॉब है तो यही है भाई, वरना तो और बाकी तो ऐसे ही नौकर चाहिए हैं। है नहीं है पूछना है क्या? हाँ है, वहाँ पे वहाँ नीचे वाले में छिपा हुआ है। तो फाइनली गाइस घूमते फिरते बाहर आ गए। और यहाँ पे भी अभी तो मुझे छोटा सा शौक लगा था कि यहाँ पे भी मतलब कल का जो पर्व है उसको लेके इफेक्ट है क्या, कि समोसा ही नहीं है, सब जगह गुजिया ही गुजिया दिख रहा है। मार्केट में भी गुजिया झूला पता नहीं क्या क्या दिख रहा है मार्केट में ही अभी। तो अभी चलते टिकट काउंटर। तो अब लगता है कि आज सबसे ज़्यादा अभी दो ही तीन जगह है, मेहंदी लगाने वाले काउंटर पे, मिठाई वगैरह वाले काउंटर पे, और कहाँ देखे आशीष, दूध वाले काउंटर पे, रोड के काउंटर, पूरा रोड का रोड भीगा हुआ है यार। मतलब अभी काउंटर मतलब पता क्या होता है, पूरा का पूरा काउंटर फुल है। अभी सब जगह आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, रसगुल्ला। जहाँ दिखाओ, अभी नहीं विश्वास है ना, मैं दिखाता हूँ, वेट कर लो। पहले फ्रिज में रसगुल्ला, ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग के लैंग्वेज में इसको टिकड़ी बोलते हैं, ठेकुआ बोलते हैं। और अगर इधर दिखाओ गुजिया, और दिखाओ उधर भी गुजिया, उधर भी गुजिया, मतलब सारे के सारे सब जगह गुजिया गुजिया करके रखते हैं। रसगुल्ला का बात शुरू हो गया है, रसगुल्ला बंगाली लैंग्वेज में बोलो रसगुल्ला। रसगुल्ला का बात शुरू हो गया है तो उसका आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि रसगुल्ला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सही नहीं पता भाई कि रसगुल्ला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट फिल्ड सिरप करके है, फिल्ड सिरप नहीं, आई थिंक स्पंज बोल सकते हैं, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि रसगुल्ला को क्या बोलते हैं। अरे भाई अभी जस्ट घर पहुंचा था, उसके बाद फिर आशीष के घर जा रहा हूं। अगर आप पूछोगे कि क्यों जा रहा हूं, तो एक चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि मैंने जो दूध लिया था वो बहुत मुश्किल से मिला था मुझे, और अभी जस्ट थोड़ा दौड़ने के कारण दिक्कत हो रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन अभी के अभी जस्ट पता चला कि उसके गाड़ी में ही छूट गया है। और क्या छूट गया, क्या छूट गया, फिर याद आता है कि अरे ये तो दूध ही अंदर छूट गया है। अभी चलते हैं वहाँ पे। देखिए गाइस, आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमें बादाम खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ, ये भी भूल चुका है, अभी जाके ये यहाँ पे पहुँच गया था। तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो चुका है।